हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सपनों का महासागर। तो आज की वीडियो में मैं एक जो है क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, जो कि मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स ने पूछा है। और वो पूछा है कि आप गीता क्यों पढ़ती हो, कैसे पढ़ती हो, उसका क्या फ़ायदा मिलता है आपको, गीता में क्यों इंटरेस्ट है। तो इस तरह के ढेरों सवाल सिर्फ एक गीता को लेके उन्होंने पूछ लिए हैं, क्योंकि मेरी वीडियो में हमेशा गीता रहती है। तो उनके मन में एक क्वेश्चन आ गया, तो जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं गीता के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ, मेरा क्या रूल है पढ़ने का, क्या फ़ायदा है। तो सारी ही बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो कुछ लोग जो मैंने बचपन में देखा था कि कैसे पढ़ते थे, वो उनका क्या था कि नियम था, सुबह जैसे पूजा करते थे तो वो कोई आधा पेज रखता था कि आधा पेज हम आज पढ़ लेंगे, कोई दो चार श्लोक रख लेता था नियम के रूप में कि ये पढ़ लेंगे। और जैसे ही गीता पूरी हो जाती थी तो प्रसाद बांट देते थे कि भाई गीता आज हमारी पूरी हो गई है। तो मुझे लगता था कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, मतलब प्रसाद बांट रहे हैं, गीता पूरी हो गई, और फिर से उसको पढ़ना शुरू कर देते थे। यानी अपने जीवन काल में उन्होंने पता नहीं कितनी बार गीता को पढ़ा हो। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं गीता को सिर्फ ऐसे नहीं पढ़ती कि भाई मैं सुबह उठी और पूजा के टाइम पर मैंने आधा पेज पढ़ लिया, एक पेज पढ़ लिया, नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि गीता ज्ञान का सागर है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, जो भगवान ने हमें खुद बताया है, जो धर्म का एक सही मार्ग है, जो एक ऐसी शक्ति है कि आपके जीवन में कोई भी मुसीबत हो, आप 21वीं सदी में हो, आप 20वीं सदी में हो, कभी भी गीता की कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि आपकी हेल्प ना करे। यानी कि जीवन का कोई भी संघर्ष हो, सिर्फ आपके माइंड को ये समझने की ज़रूरत है कि इस श्लोक को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तो मैं वैसे ही करती हूँ, मेरा ऐसा कोई नहीं नियम कि मैं सुबह उठूँगी और आधा पेज पढ़ूँगी, दो श्लोक पढ़ूँगी और फिर प्रसाद बांटूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रसाद कभी भी नहीं बांटा है। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास जब भी टाइम होता है, हाँ ये बात सही है कि मैं इतनी पवित्र बुक को बिना नहाए छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मैं हमेशा नहा कर, और नहाई भी होती हूँ तो हाथों को अच्छे से साफ करके और सम्मान के साथ पुस्तक को कभी बेड पे लेके नहीं बैठती। हाँ, चेयर लेके जैसे टेबल है ऐसे ही रख के बैठ जाती हूँ, टेबल पर ही पढ़ना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मैं इसे सिर्फ एक जैसे ज्ञान होता है, मैं इसमें से ज्ञान निकालना चाहती हूँ जो श्री कृष्ण ने, जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, सिर्फ मैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करना चाहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार में ही सारी समझ में आ जाएगी, नहीं। मैं इसको जितनी बार पढ़ूँगी इसके जो श्लोक हैं, जो बातें हैं, मेरे सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएंगी। और जब भी मेरे जीवन में ऐसा कोई टाइम आता है, कई बार ऐसा टाइम आ जाता है कि जहाँ मुझे गीता का वो श्लोक याद आता है और मेरा मन एकदम शांत हो जाता है कि हाँ, श्री कृष्ण ने इस चीज़ को ऐसे हैंडल करने के लिए कहा है, तो मेरे लिए गीता का ये महत्व है, ये ज्ञान का सागर है, जिसको कि आप भी ले सकते हैं। ये आपके जीवन की हर एक मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु से बाद तक की समस्याओं का हल है। तो पर ये कलयुग है, जहाँ पर कि जूते चप्पल शोरूम में महंगी महंगी शीशों में बिक रहे हैं, वहीं पे हमारी गीता सड़कों पे बिक रही है, जो कि मनुष्य का उद्धार करने वाली चीज़ है, जो श्री कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। तो ये कलयुग का असर है और कुछ नहीं है। तो मैं गीता को एज ए ज्ञान का सागर, ज्ञान का महासागर की तरह पढ़ती हूँ। मुझे इसमें से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। मैं बार बार श्लोक्स पढ़ती हूँ, बार बार उस चीज़ को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। और जब भी मेरे साथ ऐसी कोई घटना होती है तो मैं उस चीज़ को उस घटना से जोड़ के देखती हूँ और मुझे उस चीज़ का आंसर मिल जाता है। जैसे कि कई लोगों को एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि हमें उसने ये कह दिया, हमारी निंदा कर दी, तो वहाँ पर वो पूरे गुस्से से लाल हो जाते हैं और उनको लगता है कि भाई अब इसको कुछ कर ही दो, या मर जाओ या मार दो, इस तरह की कंडीशन आ जाती है। लेकिन अगर आप इस तरह की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपके माइंड को हमेशा ये पता होता है कि भाई जो सामने वाला हमें बोल रहा है वो हमें नहीं बोल रहा है, वो चीज़ बोलता है जो उसके अंदर है। यानी कि जैसी हमारी नज़र होती है वैसा ही संसार हमें दिखाई देता है। तो वहाँ पर कोई भी गुस्सा नहीं करता। आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े इंसान हैं, उन
को कितना कुछ बोला जाता है लेकिन उन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि उनको पता है कि लोगों का काम बातें बनाना है तो वो बनाएंगे। तो इन चीज़ों का ज्ञान आपको यहाँ से मिलता है। छोटी से छोटी आपकी ज़िंदगी के लम्हों को ये संवार सकती है। आपको पता चल जाता है कि हमें ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र की तरह मिला हुआ है, हमारी जो आत्मा होती है वही सब कुछ है, उसी को पवित्र रखना है, उसी के लिए हमें कुछ करना है और इस आत्मा से इतने शुद्ध और इतने अच्छे काम करने हैं कि परमात्मा हमें मिल जाए। आई होप आप समझ गए होंगे कि गीता को पढ़ने का मेरा मकसद क्या है और गीता को मैं क्यों पढ़ती हूँ। मैं गीता ही नहीं, मैं सारी पवित्र पुस्तकें पढ़ना पसंद करती हूँ। तो मैं कभी भी सीरियल वगैरह नहीं देखती, ना ही मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है। हाँ, जो भी रियल स्टोरी होती है, जो कि सक्सेस रियल स्टोरीज होती हैं मूवी, वो मैं बिल्कुल शौक से देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे लोगों का स्ट्रगल बहुत पसंद आता है। YouTube पे मैं ऐसी स्टोरी हमेशा देखती हूँ जो कि स्ट्रगल से भरी होती हैं कि ऐसे हालात थे और अब ये करके आदमी ये ऐसे बन गया। तो इन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मुझे आध्यात्मिक दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने अपना ये चैनल बनाया सपनों का महासागर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को हिट करें ताकि टाइम पे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं बेहतरीन टॉपिक के साथ आने वाली वीडियो में। बाय बाय।